गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी हनी कॉम बुक की सेकंड पॉइंट द रेबल रीड करेंगे, जिनके हमारे पॉइंट हैं डीजे एंड राइट। रेबल, रेबल क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो हमेशा दूसरों से अपोजिट वर्क करता है। ए पर्सन हु ऑलवेज डज थिंग्स विच इज अपोजिट फ्रॉम अदर्स। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कोई भी नॉर्मल पर्सन काम करते हैं उसको उसके अपोजिट ही वर्क करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सब लोग बैठे हैं तो उसको खड़े होना है, अगर आप सब खड़े हैं तो उसको बैठना है, अगर आप सब लोग घर के अंदर हैं तो उसको घर से बाहर जाना है, अगर आप सब घर के बाहर हैं तो उसको घर के अंदर बैठना है। तो क्या है वो अपोजिट कर रहा है, मतलब कि एक काम को दूसरे नॉर्मल लोगों से हटके कर रहा है। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड्स। कहता है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो हमेशा ही आपको डिसएग्री, मतलब कि आपके अपोजिट है आपसे या आपके फ्रेंड से, और लाइक टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, और हमेशा कैसे काम करता है जो आप लोग करते हैं, नॉर्मली आप लोग करते हैं वो उसके अपोजिट वर्क करता है। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। ऐसे पर्सन के लिए जो हमेशा अपोजिट वर्क करते हैं उनके लिए एक वर्ड डिस्क्राइब कीजिए। तो रेबल जो है इसके लिए परफेक्ट वर्ड है, क्योंकि रेबल का मतलब ही होता है जो दूसरों से अपोजिट काम करता है। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जर्नली डज। हमें कुछ ऐसी बातें अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करनी है जो ऐसे व्यक्ति करते हैं, जैसे कि अपोजिट वर्क करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करनी है। अपने पार्टनर, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए कि कोई भी ऐसा काम जो अपोजिट किया जाता है, ऐसे लोग हमारे आसपास हैं या नहीं है। नाउ रीड द पॉइंट। व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। कहता है अगर सबके छोटे बाल होंगे ना तो रेबल मतलब कि जो अपोजिट काम करते हैं वो क्या करेंगे, अपने बालों को बढ़ा लेंगे। अगर सबके छोटे बाल हैं तो वो अपने बालों को कैसा रखेगा, बड़ा रखेगा। व्हेन एवरीबॉडी हैज लॉन्ग हेयर द रेबल कट हिज हेयर शॉर्ट। लेकिन अगर सभी अपने बालों को बढ़ा लेंगे तो वो अपने बालों को क्या करवा लेगा, कटवा लेगा, मतलब कि वो छोटे रखेगा। व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल डज नॉट से ए वर्ड। अगर सब लोग किसी लेसन, क्लास में कोई लेसन चल रहा है, उस लेसन से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, तो रेबल क्या करेगा, उस लेसन के बारे में एक भी वर्ड नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको कुछ हटके करना है। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल क्रिएटेड डिस्टर्बेंस। अगर कोई भी उस लेसन के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा तो रेबल जरूर बोलेगा, क्योंकि वो दूसरों से हमेशा अपोजिट होता है। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स अ यूनिफॉर्म द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ। सब जब यूनिफॉर्म पहन के आएंगे तो उसको कोई और ड्रेस पहन के आनी है जो कि यूनिफॉर्म ना होके कोई अच्छी सी कलरफुल ड्रेस होगी। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ द रेबल ड्रेसेस सोबरली। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो सब क्या है, अच्छी कलरफुल ड्रेस डाल के आते हैं, लेकिन वो क्या करके आएगा उस दिन, यूनिफॉर्म डाल के आएगा, क्योंकि वो हमेशा दूसरों से अपोजिट वर्क करता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स। अगर सब लोग डॉग को पसंद कर रहे हैं, नॉर्मली अगर सब लोग डॉग को पसंद कर रहे हैं तो रेबल क्या बोलेगा कि मुझे तो कैट अच्छी लगती है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स। लेकिन अगर सबको कैट पसंद है तो रेबल बोलेगा कि मुझे तो डॉग अच्छी लगती है, वो डॉग्स के बारे में अच्छा अच्छा बोलने लग जाएगा। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. अगर सब सन की तारीफ करने लग जाते कि अरे सूर्य निकला हुआ तो बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, तो वो क्या कहेगा कि अरे नहीं, इस टाइम तो बारिश की जरूरत थी, सन कैसे निकल गया, तो उसने अपोजिट बोल दिया। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. अगर मान लो बारिश हो रही है और सब लोग बारिश की तारीफ कर रहे हैं तो बोलेगा अरे नहीं, इस टाइम तो सन होना चाहिए था, सन की absence मतलब कि सन का ना होना उसको खटकता है उस टाइम। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. अगर सब लोग मीटिंग में जा रहे हैं तो उसको घर पे रहना है और बुक्स पढ़नी है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. लेकिन जब सब लोग घर पे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उसको कहाँ जाना है, मीटिंग में जाना है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. मान लीजिए आपको किसी ने कुछ ऑफर किया है तो आपको उसके लिए यस बोलना चाहिए, नॉर्मली सब लोग यस बोलेंगे, लेकिन रेबल क्या बोलेगा, नो थैंक यू। When everybody says no thank you, the rebel says yes please. मान लीजिए आपको किसी ने कुछ ऑफर किया है तो आपको उसके लिए नो थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन रेबल क्या बोलेगा, यस प्लीज, मतलब कि नॉर्मल लोगों से उसको कुछ हटके ही करना है, तो वो लोग क्या होते हैं,
रेबल होते हैं, मतलब कि उनको हम किस वर्ड में डिस्क्राइब किया, एक वर्ड डिस्क्राइब करना था, वो क्या होता है, रेबल होता है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, कहते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छे कि हमारे बीच में रेबल्स होते हैं, मतलब कि ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो हमसे हटके काम करते हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, अगर हमारे बीच में रेबल्स नहीं होंगे तो सब लोग क्या, सब क्या हो जाएगा, बहुत बोरिंग सा हो जाएगा, मतलब कि इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्यूरियोसिटी नहीं हो पाएगी। इसीलिए रेबल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कुछ लोगों से हटके हो, जिसके अंदर कैपेसिटी हो कि वो लोगों से कुछ हटकर काम कर सके। तो आई होप आप लोगों को रेबल जो है वो पोइम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।